हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दीप्ति दीपा वर्ल्ड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें। हेलो स्टूडेंट, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री सेप्स एक्सरसाइज 5.1 क्लास 6 एनसीईआरटी सॉल्यूशन 3 नंबर तक सम हमारा हो गया था। 4 नंबर सम हमारा देखिए क्या है। इफ ए बी सी आर द 3 पॉइंट्स ऑन ए टाइम सच दैट ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड ए सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। कह रहा है कि यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं जिसके यहाँ पे ये सेंटीमीटर दिए हुए हैं और विच वन ऑफ देम लाइज बिटवीन द अदर टू। यानी कि कहने का मतलब है कि इनमें से कौन सा अदर वो है जो लाइज बिटवीन है, बीच में। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक 8 सेंटीमीटर का लाइन खींचेंगे। हमने एक रेखा खींच दिया, ये है 8 सेंटीमीटर लाइन, यानी कि यहाँ पे लाइन। तो ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे ए सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे ए सी, ठीक है। और यहाँ पे हम लाइज बिटवीन करेंगे बी। देखिए मैंने अभी ही बोला लाइज बिटवीन, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहा है, अदर टू, इन दोनों में से कौन सा लाइज बिटवीन है, ठीक है। तो सबसे पहले ये दिख गया बी, तो हमारा बी जो है वो लाइज बिटवीन है। तो हम यहाँ पे अब लिख सकते हैं जैसे कि देखिए ए बी इज इक्वल टू कितना बोला है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर बोला है ना। तो आप देख सकते हो ए बी इजकल टू हमारा जो है 5 सेंटीमीटर पे हमारा ए बी है, ये हो गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी इज इजकल टू 5 सेंटीमीटर और यहाँ से देखिए बी सी जो है हमारा 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं बी सी इजकल टू 3 सेंटीमीटर और ए सी इजकल टू 8 सेंटीमीटर। तो ये हमारा 8 सेंटीमीटर था। सो स्टूडेंट, ये हमारा जो वीडियो था और लाइज बिटवीन मैंने बता दिया जी। ये क्वेश्चन कर रहा है विच वन ऑफ देम लाइज बिटवीन, तो हमारा होगा बी, दैट इज आवर सॉल्यूशन। सो स्टूडेंट, अगर वीडियो में कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हो और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कोई भी डाउट हो तो क्लियर कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।